हेलो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फिजिक्स टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम वही स्टडी करेंगे आज, सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन जो है, इस चैप्टर का वेटेज जो है वो है 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स का कंपलसरी चैप्टर है। ठीक है, आपके 70 मार्क्स की थ्योरी में ये 4 मार्क्स का कंपलसरी चैप्टर आने वाला है। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डाइवर्स फील्ड में क्या है, एप्लीकेशन है। बहुत सारी फील्ड में चैप्टर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्पेस इंजीनियरिंग सारी फील्ड्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस इंजीनियर है और उसे किसी सैटेलाइट को किसी प्लैनेट के आसपास ऑर्बिट करवाना है तो उसे सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और उसे एक जायंट फेरिस व्हील बनाना है, फेरिस व्हील का मतलब होता है आपका जो आसमानी झूला होता है ना अम्यूजमेंट पार्क में, तो आसमानी झूला बनाना है बहुत बड़ा सा, तो उसको भी स्टडी करनी पड़ेगी सर्कुलर मोशन की। अगर कोई सिविल इंजीनियर है और उसे रोड बनाना है तो रोड पर जो टर्न्स होता है ना, टर्न्स पर उस सिविल इंजीनियर को सर्कुलर मोशन की स्टडी रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उसे प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन की स्टडी करनी है तो वहाँ पर भी सर्कुलर मोशन की स्टडी रिक्वायर्ड है बेसिक तौर पे। अगर कोई मॉडर्न फिजिसिस्ट है, उसे एटम की स्टडी करनी है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे भी सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, तो आपने देखा कि सर्कुलर मोशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारी फील्ड में है, चाहे वो स्पेस इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, कुछ भी, ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर सर्कुलर मोशन क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर ये इतना ज़्यादा अप्लाइड चैप्टर है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है इस चैप्टर का, तो क्यों ना इस चैप्टर की स्टडी कर लिया जाए। इसी वजह से आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और फर्स्ट चैप्टर दिया गया है सर्कुलर मोशन। जबकि आप NCERT अगर देखेंगे तो NCERT में 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है चैप्टर, हमारे स्टेट बोर्ड में उसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन, उसका डेफिनेशन क्या होता है, आज हम डेफिनेशन पे डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से मैंने आपसे कहा था मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराऊंगा, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सर्कुलर मोशन, डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल्स। क्या ये डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, सर्कुलर मोशन को डिफाइन करो, उसके एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, क्या है डेफिनेशन सर्कुलर मोशन। देखिए, इसका डेफिनेशन होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलावा अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो कीवर्ड है ना वो है पार्टिकल, इस पर भी डिस्कशन करने वाला हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। तो यहाँ पर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो ये तो डेफिनेशन समझ में आता है। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, एक स्ट्रिंग लूँ, उसके एक एंड पे एक स्टोन को टाई कर दूँ और क्या करता हूँ, उसको इस तरीके से क्या करता हूँ, घुमाता हूँ, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें एक एटम में अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। समझ में आ गया? अगर हम अर्थ के मोशन को देखें सन के आसपास, तो वो भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। समझ में आ गया? इसके बाद और एग्जांपल, अगर कोई साइक्लिस्ट क्या करता है, कोई मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, कहीं पर टर्न लेता है रोड पे, तो वो भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन का ये मतलब नहीं है जो पूरा सर्कल में घूमे। समझ में आ गया? अगर वो एक कर्व भी लेता है, एक आर्क में भी ट्रैवल करता है, तब भी वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या, इसके एग्जाम्पल भी पूछा गया है, तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आएगा सबसे पहला, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां पर, न्यूक्लियस के आसपास। उसके बाद सेकेंड जो होगा हमारा, इसमें मैं लिख देता हूं, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट
ऑन अ कर्व्ड रोड, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड। थर्ड में लिख देता हूं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अगर सन के आसपास क्या हो, अर्थ घूमता है, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया। अब यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन ये होता है कि सर आपने कहा कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिख रहे हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो बच्चा बोलता है कि सर आपने पार्टिकल की बात की, क्या अर्थ पार्टिकल है, अर्थ तो पार्टिकल है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई थिंक नहीं, आप शायद कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में एक चीज समझाई जाती है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वह वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा हो, सिर्फ उसी को फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको भी कहते हैं जो क्या करे, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्या करे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे उसके डायमेंशन के कंपैरिजन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक साइकिल लेता हूँ, उस साइकिल पर बैठता हूँ और चलाते 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 मैं पहुंच जाता हूँ हैदराबाद। समझ में आ गया कहाँ पहुंच गया मैं मुंबई से कहाँ पहुंच जाता हूँ, हैदराबाद पहुंच जाता हूँ। तो मेरे जो डायमेंशन है, जो मेरा साइज है, वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे क्या मान लिया जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो अर्थ होता है, अर्थ जब सन के आसपास चक्कर लगाता है तो वो जो सर्कमफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 40,000 किलोमीटर का होता है। और अर्थ का अगर आप रेडियस देखेंगे तो अर्थ का रेडियस 6,000 किलोमीटर का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के डाइमेंशंस को 40,000 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से वहां पर अर्थ को क्या मान लेंगे हम लोग, पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे। समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा इसके एक्सेप्शंस हैं, हम कहीं कहीं पर अर्थ को पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकते, वो सोलार और लूनार इक्लिप्स में होता है, लेकिन अभी हमारा डिस्कशन नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा कि सोलार और लूनार इक्लिप्स के टाइम पर हम अर्थ को पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? इसको मैंने 11th के पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने आज क्या सीखा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और इसके एग्जांपल क्या है। तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख लिया। क्या डेफिनेशन है उसका, बोलिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और उसके बाद एग्जांपल में क्या लिखा हमने, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व रोड, या फिर थर्ड क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। समझ में आ गया, क्लियर है? अब आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, आगे क्या, हम आगे चलते हैं। न्यूटन ने हमको ये समझाया था कि अगर आपको किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको तीन पैरामीटर रिक्वायर्ड है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इनके अलावा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कुछ और रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। अगर आपके पास किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, यानी आप उस पार्टिकल की स्टेट को बता देंगे, आप उसके पोजीशन को, उसके स्टेट को डिस्क्राइब कर लेंगे। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, वैसा कोई। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका ओ मैंने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। ओ क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। और उसके बाद ये जो है ना, इसको मैंने बोल दिया क्या, रेडियस आर। रेडियस क्या है, आर। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, घड़ी से उल्टे सेंस में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। आगे क्या, यहाँ पर मैं कुछ टैबुलेट करने वाला हूँ, एक टेबल बनाने वाला हूँ जिससे आपको शायद कुछ अंदाजा हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइम और यहाँ पर मैं लिखूंगा उसकी पोजीशन एक्स। क्या क्या लिख रहा हूँ मैं टाइम लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, पोजीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पेन और पेपर लेकर के बैठ गया और मैं यहाँ देख रहा हूँ पहले सेकंड में उसकी पोजीशन क्या थी, दूसरे सेकंड में पोजीशन क्या थी, तीसरे सेकंड में पोजीशन क्या थी, क्योंकि पोजीशन डिस्क्राइब करना, पता करना जरूरी है उसके स्टेट को बताने के लिए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल फर्स्ट सेकंड में, यहाँ से हमने काउंट करना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर था। कहाँ पर था पार्टिकल, यहाँ पर था, ये फर्स्ट सेकंड में था। रेडियस मान लेते हैं 1 मीटर का है, कितना है, 1 मीटर रेडियस। तो मैं लिख देता हूं कि पार्टिकल फर्स्ट सेकंड में कहां पर था, पार्टिकल फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर के डिस्टेंस पे था। मैंने इसको मेरा ओरिजिन मान लिया, सेंटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले सेकंड में पार्टिकल यहां पर है।
तो सेकेंड सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पहुंचा, यहां पर पहुंचा। इसका अब भी डिस्टेंस कितना है, अब भी डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, क्योंकि रेडियस तो नहीं बदल रहा है। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरे सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंचा, तीसरे सेकेंड में फिर से कितना है, 1 मीटर, तो तीसरे सेकेंड में भी क्या लिख दिया, 1 मीटर। उसके बाद चौथे सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया, 4th सेकेंड में कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और उसका डिस्टेंस कितना है, अब भी 1 मीटर। 5th सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया, अब भी इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो समझ में आ रहा है, अगर आप इस टेबल को गौर से देखेंगे और इससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि पार्टिकल पहले सेकेंड में भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, दूसरे सेकेंड में भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तीसरे सेकेंड में भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, क्योंकि पार्टिकल चल नहीं रहा है। अगर कोई इस पार्टिकल को ना देखे, सिर्फ इस टेबल को देखेगा, तो उसको एक बात ऐसे लगेगी कि भाई पार्टिकल 1 सेकेंड में भी 1 मीटर पे खड़ा हुआ है, 2 सेकेंड में भी 1 मीटर पे खड़ा हुआ है, 3 सेकेंड में भी 1 मीटर पे खड़ा हुआ है। यानी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड कर रही है, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि ये बता रहा है आपको, अगर हम लीनियर इसको मेजर करेंगे, कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदलती जा रही। टाइम बदलने के साथ साथ अगर पोजीशन बदलेगी तभी तो हम क्या बोलते हैं, वो पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर टाइम बदलने के साथ साथ में पोजीशन नहीं बदल रही है तो क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, नहीं कंक्लूड कर सकते, क्योंकि पार्टिकल तो एक्चुअली मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, हमको न्यूटन ने ही समझाया कि आपके प्रॉब्लम मेजर करने के तरीके में आप उसका डिस्प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन जो पता कर रहे हैं वो लीनियरली पता कर रहे हैं। कैसे पता कर रहे हैं, लीनियरली, आप उसको सीधा सीधा पता कर रहे हैं, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, जबकि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कभी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारा जो मेजर करने का तरीका है ना, वो गलत है। तो अब सवाल ये उठा कि इसको मेजर कैसे किया जाए, तो फिर बहुत ही सिंपल सा आंसर था, न्यूटन ने हमको समझाया, उसका सिंपल सा आंसर ये था कि जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 2 रेडियस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल कवर कर लेता है, जब तीसरी पोजीशन पे जाता है तो कुछ और एंगल कवर कर लेता है, जब चौथी पोजीशन पे जाता है तो कुछ और एंगल कवर कर लेता है। यानी जैसे जैसे पार्टिकल क्या करता है, अपनी पोजीशन बदलते जाता है, तो जो एंगल है ना वो भी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। तो क्यों ना इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोड़ करके हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या करें, मेजर कर लें। समझ में आ गया, यहां से वो नींव पड़ी कि हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, तो इसको तो इन्हें नक्शल कहते हैं। न्यूटन ने हमसे क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि अगर आपको किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 3 चीज़ें आपने बता दी तो पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में हमें एक बात समझ में आ गई कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन से हमारा काम नहीं बन रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें क्या कर देती है, मिसलीड कर देती है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे मेजर करने के तरीके को ही बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट छोड़ करके एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट मेजर करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करेंगे, मीटर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे। हम एंगल के हिसाब से पता करेंगे कि पार्टिकल्स कौन सी पोजीशन पे है। समझ में आ गया, तो अगर हमें सर्कुलर मोशन को, कोई ऐसा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें 3 चीजें रिक्वायर्ड है, 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडली एंगुलर वेलोसिटी, एंड थर्ड वन एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, तो ये 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है, अब हम वही सीखने वाले, ठीक है। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन है थीटा। क्या है, थीटा, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो एंगल ही होता है। क्या होता है, एंगल। इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, एंगल ट्रेस्ड
by a radius vector of a particle performing circular motion when it moves from one position to other. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर। इसको जरा समझ लेते हैं, रेडियस वेक्टर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा सेंटर है, इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया। और इनिशियली मान लेते हैं कि पार्टिकल ये वाली पोजीशन पे था, पोजीशन ए पर। कहां पर था वो, पोजीशन ए पर। तो यहां से यहां तक मैंने एक ऐसा वेक्टर बना दिया। तो ये जो वेक्टर है ये किसका काम कर रहा है, पोजीशन बताने का भी काम कर रहा है और रेडियस का भी काम कर रहा है। तो इसको या तो आप पोजीशन वेक्टर बोल दो या तो उसको रेडियस वेक्टर बोल दो। समझ में आ गया, रेडियस वेक्टर इसीलिए क्योंकि रेडियस का काम कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। जब पार्टिकल मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद बी पोजीशन पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया, तो ए से बी तक जाने में उसने कुछ आर्क लेंथ कवर कर ली और मैंने एस मान लिया। क्या मान लिया, एस। और इसका रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया। और कितना एंगल कवर किया उसने, थीटा एंगल कवर कर लिया। कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा। समझ में आ गया। तो यहां पर आप सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे लेट ए क्या उसका इनिशियल पोजीशन, क्या ए इनिशियल पोजीशन, बी क्या उसका फाइनल पोजीशन। समझ में आता है। उसके बाद क्या, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उसके बाद थीटा क्या है, थीटा वही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को फिर से समझते हैं, देखिए ध्यान से, अब आपको शायद और क्लियर होगा। एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, किसने ट्रेस किया, किसने बनाया एंगल, एक रेडियस वेक्टर ने बनाया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर कौन है हमारा, OA बार, और यहाँ पर OB बार, ये रेडियस वेक्टर है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एक ऐसा पार्टिकल जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया, जो एंगल बनाया, कब बनाया, जब व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया। समझ में आ गया। तो अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके रेडियस वेक्टर ने क्या किया, क्या किया, देखिए ध्यान से, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचा, रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल ट्रेस कर लिया। ये जो उसने एंगल ट्रेस किया है, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ पॉइंट्स देखने, पहले आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अभी इसको अभी याद करेंगे। अब आगे क्या, इसमें आप थर्ड पॉइंट निकालेंगे। आप एक चीज याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप बोलेंगे एंगल, क्या है वो, एंगल। तो अगर कोई एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं, आपने मैथ्स के लेंथ एंड मैथ्स में पहले चैप्टर में सीखा है कि एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो दिस इंप्लाइज एंगल कितना किया उसने कवर, थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर, कितना है एस, रेडियस कितना है आर। समझ में आ गया। दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपने क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन बता कर निकाल लिया। समझ में आता है, ठीक है। तो यहां पर हमने किया, अब फोर्थ पॉइंट में आप क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट में इसका यूनिट क्या है वो लिखेंगे। याद रखिए,
हमने क्या कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एंगल है, और एंगल को हम फिजिक्स में मेजर करते हैं रेडियंस में। किस में मेजर करेंगे? रेडियन। तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसका? रेडियन। क्या ये? रेडियन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसका यूनिट क्या है? रेडियन। फिफ्थ पॉइंट में आप इसके डायमेंशन लिख दीजिए। इसके डायमेंशन क्या होंगे? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। समझ में आ गया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये ऐसी वाहिद क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। समझे क्या बोला मैंने? जिसका क्या है? यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या इसके अंदर? अब ये बात आएगी कि अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी याद है मैंने कराया था, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वो क्वांटिटीज फिजिक्स में जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको तो मेजर कर पा रहे हैं, एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस करके। तो अगर इसको मैं मेजर कर सकता हूं तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के दो डिविजन्स पढ़े थे हमने, कौन कौन सा? स्केलर्स और वेक्टर। तो सवाल ये उठता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, उस पर डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, आप देखे ध्यान से। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा सिक्स वाला, वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, आप लोग पहले इसको कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वेक्टर में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो वेक्टर होता है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, यानी वेक्टर के लॉस को ओबे करता है। उसमें एसोसिएटिव लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ था, ठीक है ना। तो अगर कोई कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, यानी वो वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर किसको कहते थे? हमने डेफिनेशन को प्रॉपरली बनाया था। एक हमने कहा था उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा, और वेक्टर के लॉस को ओबे करेगा। समझ में आ गया? अगर तीनों को इतना बड़ा करके नहीं बोलना है तो आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करता है वो वेक्टर। समझ में आया क्या कहा मैंने? जो क्या करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करता है, वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे कि अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर के लॉस को ओबे करता है। ठीक है, वेक्टर के लॉज में एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर a बार प्लस b बार है तो इट शुड बी इक्वल टू b बार प्लस a बार। आप सीक्वेंस में पहले a को रखें फिर b को लेके जाएं तो किसके इक्वल आना चाहिए? रिजल्टेंट जो आएगा, फिर पहले b को रखें बाद में a को लेके जाएं तो दोनों में रिजल्टेंट सेम आएगा। समझ में आ गया? तो a बार प्लस b बार का रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू b बार प्लस a बार, इसी को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं इसको? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बुक को गौर से देखें। अगर मैं इस बुक को ऐसे रोटेट करता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट किया, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसने क्या कर लिया, कुछ एंगल कवर किया। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर क्या करता है? कुछ एंगल कवर करता है। जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एंगल ट्रेस कर रहा है तो हम क्या करेंगे? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, यानी इसको उसके अंदर क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो अगर इसको मैं इस तरीके से रोटेट करता हूं तो इसको मैंने क्या किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। क्लियर? ठीक है, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो ध्यान दीजिएगा जरा, मैं पहले रोटेशन दूंगा फ्रंट, उसके बाद मैं रोटेशन दूंगा राइट। कैसा रोटेशन दूंगा? पहले फ्रंट, उसके बाद कैसा दूंगा? राइट। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये राइट प्लस फ्रंट के इक्वल आना चाहिए। अगर फ्रंट प्लस राइट इज इक्वल टू राइट प्लस फ्रंट आएगा तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है और ये क्या है? एक वेक्टर है। ये जो एग्जांपल है ये हेलेनिस्टिक का ही है। हेलेनिस्टिक ने अपनी बुक में बहुत पहले इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बुक को मैंने ऐसे रखा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले क्या करता हूँ? फ्रंट वाला रोटेशन देता हूँ। ध्यान दीजिए जरा, कैसे कर रहा हूँ मैं? फ्रंट, तो मैंने ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ये हो गया फ्रंट। उसके बाद मैं कैसे कर रहा हूँ उसको? ऐसे राइट में। समझ में आया क्या किया मैंने? ऐसे क्या है मेरा यहाँ पर, ये फ्रंट, और उसके बाद क्या कर दिया मैंने, क्या किया? राइट। समझ में आ गया? तो इसका ओरिएंटेशन देख लीजिए, ऐसा ओरिएंटेशन है, बिल्कुल खड़ा है किताब। समझ में आता है? ठीक है, अब उल्टा करते हैं, उल्टा सीक्वेंस, यानी क्या? पहले क्या किया? फ्रंट प्लस राइट किया, अब क्या करेंगे? राइट प्लस फ्रंट। तो मैं पहले क्या करता हूं इसको, अभी राइट में रोटेशन दिया 90 डिग्री से, उसके बाद फ्रंट में। क्या दोनों ओरिएंटेशन सेम थे?
नहीं थे। वापस से देखिए एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए पहले मैंने क्या किया, फ्रंट प्लस राइट, ये वाला ओरिएंटेशन आया। उसके बाद मैंने क्या किया, राइट प्लस फ्रंट, ये वाला ओरिएंटेशन आया। इसका ये मतलब हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉमेटेटिव लॉ को ओबे ही नहीं करता। अगर वो ओबे करता तो दोनों या तो ये ओरिएंटेशन आते या तो ये वाला ओरिएंटेशन आ जाता, दोनों में सेम ओरिएंटेशन आना चाहिए था। समझ में आ गया? लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन आने की वजह से हम ये मान लेंगे कि फ्रंट प्लस राइट इज नॉट इक्वल टू राइट प्लस फ्रंट। समझे? अगर ऐसा है कि फ्रंट प्लस राइट इज नॉट इक्वल टू राइट प्लस फ्रंट, अगर ऐसा है इसका मतलब ये कॉमेटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो यहां पर मैं लिखूंगा डज नॉट ओबे कॉमेटेटिव लॉ। कौन ओबे नहीं कर रहा है? अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओबे नहीं कर रहा। हमने इसको घुमा करके क्या दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डज नॉट ओबे कॉमेटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? वेक्टर एडिशन का कॉमेटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अगर वो वेक्टर की लॉ को ओबे नहीं करता, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर की लॉ को ओबे नहीं करता तो वो फिजिकल को तो वो वेक्टर नहीं कहलाता। समझ में आ गया? इसीलिए इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। समझ में आ गया? तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। लेकिन सुनिए दौर से, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन देख करके ये चीज कंक्लूड की है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने रोटेशन दिए थे वो फाइनाइट थे, 90 डिग्री का रोटेशन दिए थे मैंने, 90 का रोटेशन ऐसे ऐसे। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इन्फाइनाइटेसिमल यानी बहुत छोटा सा रोटेशन देता हूँ। कैसे करता हूँ? बहुत छोटा सा रोटेशन देता हूँ। फिर से भाई क्या करेंगे, फ्रंट प्लस राइट इज इक्वल टू राइट प्लस फ्रंट को चेक करेंगे। यानी पहले फ्रंट फिर राइट, उसके बाद क्या, पहले राइट फिर फ्रंट। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रंट, उसके बाद क्या किया, राइट। समझे क्या कर रहा हूं मैं, छोटा छोटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, ये फ्रंट, उसके बाद क्या कर दिया, राइट। ये ओरिएंटेशन आया, उसके बाद आगे देखिए अब क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, राइट प्लस फ्रंट। क्या कहा मैंने, देखिए बहुत छोटा सा देना है, राइट प्लस फ्रंट, ये ऑलमोस्ट वही रोटेटिव ओरिएंटेशन आता है। फिर से देखिए ध्यान से, क्या किया हमने, फ्रंट प्लस राइट, उसके बाद क्या किया, राइट प्लस फ्रंट, ये ऑलमोस्ट वही वाला ओरिएंटेशन आ रहा है। अगर मैंने क्या कर दिया, रोटेशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा दिया, तो इससे एक और कंक्लूजन निकला। दो कंक्लूजन निकाले, क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे पहला कंक्लूजन ये निकला कि अगर फाइनाइट रोटेशन होता है तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो स्केलर है। लेकिन अगर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल क्या करते हैं, उसको रोटेशन देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ओरिएंटेशन आ रहा है। आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, खुद से ट्राई करना उसको एक बार। ठीक है, क्लियर? चलिए तो यहाँ पर एक और कंक्लूजन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी व्हेन गिवन फाइनाइट रोटेशन, व्हेन गिवन फाइनाइट रोटेशन। अगर फाइनाइट रोटेशन देंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी when given infinitesimal rotation, when given infinitesimal rotation, यानी क्या, बहुत छोटा जब रोटेशन देते हैं तो कैसा बिहेव करता है, एक वेक्टर के जैसा, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव लॉ को वहां पर ओबे करता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या पढ़ा, हमने अब तक ये पढ़ लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो क्या डेफिनेशन है उसका, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस करता है, कब, जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाता है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। समझ में आ गया? एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है,
एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला हमारे पास है, एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। उसके बाद हमने ये देखा कि उसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट, यूनिट है रेडियन, उसके डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या आप ध्यान दीजिएगा, आगे ये कि हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है, तो हमने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख लिया। उसके डिमॉन्स्ट्रेशन में हमको ये समझ में आया कि अगर हम उसको फाइनाइट रोटेशन देंगे, यानी फाइनाइट जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब इनफाइनाइटेसिमल यानी बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ गया। तो फाइनाइट है तो स्केलर, इनफाइनाइटेसिमल है तो वेक्टर, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक। अगर वेक्टर है तो, वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा, तो उसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड रूल, थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है, वो दोनों डिस्कस कर। पास रूल है दो, सबसे पहला रूल है वो किसे कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और सेकेंड रूल होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, दोनों को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहता है रूल, सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल, कि इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा इस रूल। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसके आसपास ये पार्टिकल घूम रहा है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एक पार्टिकल जो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, क्या कहा मैंने, सेंटर से क्या हो रहा है, इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, उसके आसपास क्या कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, समझ में आ गया। आगे जाकर के जब मैं आरबीडी पढ़ाऊंगा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसमें एक और प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा मैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी क्या होता है, अभी फिलहाल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट क्या होता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये वाली वो इमेजिनरी लाइन है, सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने क्या कर दिया, अपने राइट हैंड से होल्ड कर दिया, इमेजिन दी, तो पहला पार्ट क्या है उसका, इमेजिन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड, तो उसके अराउंड आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करना है कि वो पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में कर्ल हो, ठीक है। तो इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड वेयर विद फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट एंड थंब आउटस्ट्रेच, थंब को कैसा रखना है, आउटस्ट्रेच रखना है, समझ में आ गया। तो अगर कर्ल्ड फिंगर्स पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन बता रही है, तो आउटस्ट्रेच थंब हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा था, ऐसे मैंने इसको घुमा दिया, और ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के बाहर निकलता हुआ आ रहा है, कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये बाहर है, समझ में आ गया। याद रखिएगा ये सूडो वेक्टर है, यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी प्लेन के ओरिएंटेशन के बारे में हमको आइडिया देता है, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही राइट हैंड रूल, राइट हैंड का रूल क्या बोलता है, क्या कर दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हाथ में क्या करो, राइट हैंड में हेल्ड कर दो, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो जिससे पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है क्या, नहीं, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो आपने ऐसे कर्ल कर दिया, तो ये आउटस्ट्रेच थंब आपका क्या बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, यानी अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, क्या है वो, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, किस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो ये वाला प्लेन है, बताइए ये वाला प्लेन है, ऐसे कर्ल करेंगे आप, ये कर्ल किया तो ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ये वाला डायरेक्शन क्या है, डेल्टा थीटा बार का है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। रोटेशन अगर मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो कहां जाएगा वो, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं इसका स्टेटमेंट बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, बहुत ही सिंपल है, बड़ा है लेकिन सिंपल है, ठीक है, लिखिए, इमेजिन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, इमेजिन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट, विद फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट, इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल,
इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब, देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जल्दबाजी में लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने देखा है गलती करते हुए बच्चों. राइट हैंड रूल से ही इसका सही डायरेक्शन मिलेगा आपको. समझ में आ गया? ये गलती बच्चे जाकर के मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते वक्त. क्या कहा मैंने आपको, क्या करना है? राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है. समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड नहीं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आगे क्या, अब दूसरा वाला कौन सा है हमारा? राइट हैंड थ्रू रूल. ये टेक्स्ट बुक में दिया तो नहीं है हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, लेकिन क्वेश्चन में पीछे थ्योरी क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में लिखा दूंगा मैं, इसको देख लेते हैं. दोनों सेम चीजें देंगे. क्या देंगे दोनों के दोनों हमको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे. क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव लॉ ये होता है. तो सेकंड वाले को जरा समझ लेते हैं. सेकंड वाला रूल ये कहता है कि आप क्या कर दो, एक स्क्रू लो, राइट हैंडेड स्क्रू, उसको पार्टिकल के प्लेन में रख दो. कौन सा प्लेन? जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस प्लेन में रख दो. उसके बाद क्या करो, जिस सेंस में पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है, उस सेंस में उसको रोटेट करो. तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू का जो टिप होगा वो एडवांस होगा, वही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा. क्या मतलब होता है इसको जरा देखते हैं. ऐसे देखे ध्यान से, हमारे पास मान लेते हैं कि राइट हैंडेड स्क्रू है ऐसा. ठीक है, ये राइट हैंडेड हमारे पास क्या है, स्क्रू इस तरीके से. ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस प्लेन में पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. इमेजिन कर पा रहे हैं आप, इस वाले प्लेन में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो स्क्रू को लेके जाके मैंने उस प्लेन में रख दिया. समझ में आ गया? तो ये प्लेन में कर रहा था और मैंने क्या कर दिया, उसको ऐसे रख दिया. उसके बाद पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मैं स्क्रू को भी ऐसे रोटेट कर रहा हूं. तो ये जो डायरेक्शन है, ऐसे उसका जो टिप है, ये वाले ऊपर वाले डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर है. समझे? अगर पार्टिकल क्या करता, क्लॉकवाइज घूमता, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता तो ये नीचे की तरह एडवांस करता, तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पर हो जाएगा, था नीचे. समझ में आ गया? क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा रूल है. इसका स्टेटमेंट ये है, इफ यू प्लेस अ राइट हैंडेड स्क्रू, लिखिए इसको, इफ यू प्लेस अ राइट हैंडेड स्क्रू इन द प्लेन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, if you place a right handed screw in the plane of particle performing circular motion and rotate it in the direction of particle's motion then the direction in which the tip of the screw advances will give the direction of angular displacement vector समझ में आ गया? तो दोनों रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं. तो फर्स्ट वाला रूल क्या था, राइट हैंड थंब रूल. वो क्या कहता है, इमेजिन द एक्स ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड विद थंब आउटस्ट्रेच विद फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट. इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन द आउटस्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, और सेकंड वाला रूल हमारा क्या कहता है, इफ यू प्लेस अ राइट हैंडेड स्क्रू इन द प्लेन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड रोटेट इट इन द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, देन द direction in which the tip of the screw advances will give the direction of angular displacement vector. समझ में आ गया? तो दोनों के दोनों रूल बहुत ही सिंपल से हैं, और आपको इनको समझ लेना और अप्लाई करने आना बहुत जरूरी है. ठीक है, इस रूल को आप अपने फैन पर लगाइए. क्या कहा मैंने आपको, फैन जिस सेंस में रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ होगा, ये आपका असाइनमेंट है, इसको पता कर लेना. अगर आपको आपके फैन पे लगाने आ गया, इसका मतलब आपको रूल समझ में आ गया है. समझ में आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा, अब हम एंगुलर वेलोसिटी पे जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है. एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है,
रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बदलने की रफ्तार। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल के बदलने की रफ्तार क्या है। अगर मैं देखता हूँ एक पार्टिकल मेरे पास है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एंगल अगर उसमें टाइम के साथ में जल्दी जल्दी बदल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। अगर मैं कहूंगा कि एंगल जो है वो स्लो स्लो बदल रहा है, मैं क्या बोलूंगा, एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी क्या पता लगाता है कि जो एंगल है ना, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके बदलने की रफ्तार क्या है। समझ में आ गया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका नोटेशन है ओमेगा। क्या नोटेशन है, ओमेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पॉइंट्स देखे क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इफ थीटा इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंटली चेंज, थीटा अगर कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, मान लेते हैं हर सेकंड में, मान लेते हैं 10 रेडियन, पहले 10 रेडियन एक सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 10 रेडियन, फिर अगले 1 सेकंड में 10 रेडियन, 10 10 10 10 10 इस तरीके से, तो समझ में आ गया। तो अगर 10 10 रेडियन या 20 20 रेडियन, यानी थीटा अगर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तब आप ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। ये कहां से आया, आपको लीनियर वाला याद होगा ना, लीनियर वाला फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर लीनियर वाले फॉर्मूले और डेफिनेशन याद है तो एंगुलर वाले अपने आप याद हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो इसके बेसिस पे इसका यूनिट बना सकते हैं ना। यूनिट क्या होगा, देखिए ध्यान से, ओमेगा का, थीटा का क्या होता है, रेडियन होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो यूनिट क्या बनेगा इसका, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। रेडियन का तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टी का होगा ना, यानी यहाँ सेकंड का होगा, सेकंड का क्या होगा, टी माइनस वन बन जाएगा। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका, टी माइनस वन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस यानी इन अ शॉर्ट इंटरवल एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस यानी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, उसके कुछ और पॉइंट्स देख लिए उससे रिलेटेड। अब आगे जाते हैं, ये देखते हैं स्केलर है कि वेक्टर है। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा। तो याद रखिए जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, समझे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जरूरी नहीं है सेम हो, वो अलग अलग हो सकता है, समझे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक। और इसका यूनिट भी देख लिया, कैसी क्वांटिटी वो भी देख ली, डायमेंशंस भी देख लिए और उसके फॉर्मूले भी देख लिए, क्लियर है, समझ में आ गई बात। एंगुलर वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या बच गया हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का नोटेशन है अल्फा, ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार क्या है, समझ में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, क्लियर है, समझ में आती बात, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो अल्फा का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर
वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कहां से लिया हमने? फिर से वही लीनियर वाला फार्मूला। लीनियर वाले फार्मूले में हमने किया था एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t, यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली हमने यहां पर भी फार्मूला लिख दिया। अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा हमारा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ना, यानी ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाय t। मैंने आपको समझाया था कि चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इससे हमको क्या मिल जाएगा? चेंज मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला बन गया। इसी के बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, इसका यूनिट भी लिख देंगे। यूनिट क्या है देखिए ध्यान से, ये जो है एंगुलर वेलोसिटी, ये जो चेंज आएगा कोई डेल्टा ओमेगा आएगा डिवाइड बाई टी। डेल्टा ओमेगा यानी कोई ओमेगा है वो, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। और ये टाइम का फिर से क्या है? सेकेंड। तो सब मिला करके क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या बन गया? ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वजह से इसके डायमेंशन बन जाएंगे क्या, बताइए जल्दी से। डायमेंशन क्या होंगे? रेडियन का तो कुछ नहीं होता, सेकेंड एस स्क्वायर ना, यानी क्या हो जाएगा? सेकेंड का मिला करके टी माइनस टू बन जाएगा। समझे? इसके बाद अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है, क्या बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा डी ओमेगा बाय क्या होगा वो डी ओमेगा बाय डी। समझ में आ गया? ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आता है? क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी है? इसके डायरेक्शन पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या, ये कैसी क्वांटिटी है? तो फिफ्थ, ये वेक्टर क्वांटिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और सिक्स पॉइंट में इसका डायरेक्शन क्या होगा उसको जरा समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या कहा मैंने? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, एक फैन है जो इस तरीके से मूव करता है, ऐसे मूव करता है। ठीक है, अब क्या हमने क्या कर दिया? फैन चल रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, मैंने क्या कर दिया? स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो फैन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी यानी एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई यानी क्या? अगर एंगुलर वेलोसिटी नीचे है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? ऊपर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, जैसे ऑन करूँगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब एंगुलर वेलोसिटी नीचे और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नीचे। समझ में आ गया? तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म में, कि अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? और अगर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? तो डिक्रीज होने पर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और इंक्रीज होने पर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद अगर थीटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, यानी कॉन्स्टेंट है हर एक इंटरवल में, हर एक छोटे से टाइम में, तो हम ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी लगाएंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड, इसके डायमेंशन बनेंगे टी माइनस टू, और एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं? डी थीटा बाय डी टी। समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हमने ये देखा कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि जहां वेलोसिटी वहीं हमारा, जहां डिस्प्लेसमेंट वहीं हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी किस तरीके से बदल गई, तो वही क्या हो जाता है हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उसके बदलने की रफ्तार बताता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी। समझ में आ गया? यानी डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। उसके बाद हमने ये देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसके डायमेंशन बनेंगे टी माइनस टू। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है वो क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी।
समझे, इंस्टेंटेनियस के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब उसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या हमने ये देखा कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके डायरेक्शन पर डिस्कशन करना जरूरी था। हमने ये देखा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी ईयर में एंट्रेंस एग्जाम में आई थिंक सीईटी में जेई में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक फैन है उसके एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। क्या है, एक फैन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में कितना एंगल है, तो आप आराम से बता सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो मान लो नीचे होगी, मान लेते हैं नीचे है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बाद हम छोटे छोटे डेरिवेशंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन रहता है कि सर लीनियर वेलोसिटी उसके पास होती है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। और हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोलते हो कि जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल जो है वो तो सर्कल में घूम रहा है, तो उसके पास कहाँ से लीनियर वेलोसिटी आ गई, उसके पास तो एंगुलर वेलोसिटी हुई ना। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन वहाँ पर बच्चा एक कंसेप्चुअल एरर कर रहा है, उसको चीज़ नहीं समझिए शायद। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सर्कल को देखेंगे, अगर आप क्या करें किसी सर्कल को देखेंगे, तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर आप लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट, तो वो बहुत छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन। तो चाहे वो बड़ी स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो छोटी स्ट्रेट लाइन हो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। समझ में आ गया, यानी छोटे छोटे इंटरवल में उसके पास क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल के पास भी लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी तो है ही है क्योंकि वो एंगल कवर कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है? अब एक और सवाल, अगर लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे से इंटरवल वाली जो वेलोसिटी होती है उसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था काइनेमेटिक्स में कि वो अलोंग दी टेंजेंट होती है। क्या होती है, अलोंग दी टेंजेंट होती है। ठीक है, तो ये वाले इंटरवल में भी क्या होगी, वो अलोंग दी टेंजेंट होती है। इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आप क्या करें, एक रस्सी लें, उसके एक एंड पत्थर को बांध दें और उसको इस तरीके से घुमाएं, और अचानक से क्या करते हैं, उसको छोड़ दें। जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे या इसको स्ट्रिंग को काट देंगे, जो करना है करें, ये जो पत्थर है वो ऐसे जाएगा अलोंग दी टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि वो कैसे जाना चाहता था, अलोंग दी टेंजेंट, यानी टेंजेंशियली आउटवर्ड। कैसे जाना चाहता था, टेंजेंशियली आउटवर्ड जाना चाहता था। समझ में आ गया, तो उससे भी समझ में आता है कि उसकी वेलोसिटी कहाँ होती, अलोंग दी टेंजेंट होती, कहाँ होती, अलोंग दी टेंजेंट। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी। सबसे पहले क्या सीखा कि किसी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के पास भी लीनियर वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। और दूसरी चीज हमने इसमें क्या सीखी, दूसरी चीज ये सीखी कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्शन लॉन्ग दी टेंजेंट। क्लियर है? तो दोनों चीजें आप नोट करके रख लेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो वो उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमको डिराइव करना है। समझ में आ गया, उसका स्केलर फॉर्म भी करना है और वेक्टर फॉर्म भी करना है, मैं दोनों समझाता हूँ आपको। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक फोर्थ बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, डिफाइन सर्कुलर मोशन, सेकंड वाला क्या किया था, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, थर्ड वाले में हमने वो रूल देखे थे, तो उसका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, बीच में किया था ना वो स्टेट राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर आएगा हमारा, शो दैट द लीनियर स्पीड, show that the linear speed of a particle performing circular motion of a particle performing circular motion is the product of radius of the circle
एंड एंगुलर स्पीड, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगुलर स्पीड। यानी क्या प्रूव करना है, मुझे दिखने में बड़ा है, क्या प्रूव करना है मैं समझा देता हूँ आपको। शो करना है लीनियर स्पीड यानी वी, लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज अ प्रोडक्ट, इज यानी इक्वल टू, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, रेडियस द प्रोडक्ट ऑफ किसका, रेडियस एंड एंगुलर स्पीड, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। किस तरीके से प्रूव करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, कंसिडर अ पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आ गया, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। याद कर लीजिए, बहुत सारे डेरिवेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो वर्नाक्युलर मीडियम वाले होते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट बना नहीं पाते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। सेकेंड पॉइंट में हम क्या कर देंगे, डायग्राम बना देंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे। इस डायग्राम में एक पार्टिकल बताएंगे जो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का ए पॉइंट बी पॉइंट एंगल कितना है, थीटा, रेडियस क्या मान लिया आर, और ये क्या है हमारा एस, ये क्या है एस, आर्क लेंथ, ठीक है। तो उसको आपको अभी लिख देते हैं यहाँ पर, लेट ए क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन, ए क्या है इनिशियल पोजीशन, फिर बी क्या है इसके अंदर फाइनल पोजीशन, बी क्या हमारा फाइनल पोजीशन, उसके बाद थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या है वो रेडियस है, ठीक है, ठीक। यहाँ तक हम सबको समझ में आ जाता है, अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या देखिए ध्यान से भी, आगे इसके अंदर भी हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हम वेलोसिटी का डेफिनेशन जानते हैं। वेलोसिटी आपने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वो, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x नहीं हुआ है, वो क्या हुआ s हुआ है, वहां पर हम लोग ने dx by dt लिखा था, यहां पर क्या s का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट लीनियर मान लिया गया उसको, तो यहां पर क्या v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx by dt की जगह पर ds by dt, समझ में आ गया। लेकिन हम एक और चीज भी जानते हैं, बट s इज इक्वल्स टू r थीटा, याद करिए अभी किया था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में, तो s क्या होता है r थीटा, एंगल क्या होता है r का कोण रेडियस, s क्या होगा r थीटा, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर v क्या बन जाएगा, v हो जाएगा v इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ s की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं r थीटा, क्या लिख रहा हूं r थीटा, ध्यान दीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर r जो है वो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, तो r हो जाएगा ये हो जाएगा d थीटा बाय dt, और अभी हमने देखा था कि d थीटा बाय dt क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो r अपनी जगह पर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, तो देयरफॉर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा देखिए ध्यान से, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू r ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर है, तो यहाँ तक के चार पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, पहले क्या कंसिडर कर लो, एक पार्टिकल कंसिडर करो जो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, समझ में आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपने उसकी डायग्राम बना दिया, उसने बोला ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, एस आर्क है, आर रेडियस है, और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ में आती बात। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x की जगह पर s माना है हमने, तो वो ds by dt आता है, s क्या होता है r थीटा होता है, तो इस s की जगह पर r थीटा पुट कर दिया, r क्या है कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर आ गया, d थीटा by dt क्या होता है ओमेगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया r ओमेगा, समझ में आ गया। यहाँ पर आप एक चीज भी देंगे, सिंस d थीटा by dt is equals to omega, समझ में आ गया। तो चार पॉइंट का क्वेश्चन है, अब तक 96 के बाद अब तक 6 बार पूछा जा चुका है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन,
समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसका वेक्टर फॉर्म कराऊंगा मैं, ठीक है? ओके सुनियो, शो मी वी इक्वल्स टू आर ओमेगा जो हमने निकाला, अब उसका हम वेक्टर फॉर्म करते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको याद करवा दूं, देखिए हमने लिखा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट में हमने लिखा था एस इज इक्वल्स टू क्या, आर थीटा, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, एस इज इक्वल्स टू जो आर थीटा था ये कौन सा फॉर्म था? स्केलर फॉर्म। कैसा फॉर्म था ये? स्केलर फॉर्म। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है हमें तो उसका इक्वेशन होता है डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार, ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। और ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप एक को एक रूल मैंने बताया था कि आप ये जो सीक्वेंस है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा, क्लियर? तो ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है, और बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। डेल्टा एल बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार वो एग्जाम में हो जाता है, डेल्टा थीटा बार इक्वल्स टू डेल्टा एल बार प्लस आर बार। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये इंटरचेंज हो जाता है और कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसको याद करने के लिए मैं एक निमोनिक देता हूँ, याद रखिए आप उसको। डेल्टा एल बार से याद रखिए सन, थीटा बार यानी वो दिखता है सन ऑफ आर से बनेगा रॉबिन। समझ में आ गया? तो इसका यूनिट निमोनिक क्या बना? इसका निमोनिक बना सन ऑफ रॉबिन, समझे? सन यानी पहले क्या आएगा? डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू क्या? ऑफ, ऑफ यानी थीटा से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सन ऑफ यानी डेल्टा एस बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस, उसके बाद क्या है? रॉबिन यानी आर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आप लिख करके रख लेना इसको, ठीक है? तो अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे, देख लीजिए, ठीक है? तो इसको मैं रख कर देता हूँ, आगे क्या हमारे पास अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सिंबल्स का क्या है? यूजुअल मीनिंग, ठीक है? जब से नया वाला सिलेबस आया है हमारा 2012 के बाद, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, बार बार पूछता है, ठीक है? अब तक आई थिंक 3 या 4 बार पूछा जा चुका है नया सिलेबस आने के बाद, ठीक है? तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सेकेंड पॉइंट में लेट वी बार हमारा है लीनियर वेलोसिटी, वी बार क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा बार क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और आर बार क्या है हमारा? आर बार हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या देखे, थर्ड पॉइंट में याद लेता हूं, थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट में याद रहेगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वो सन ऑफ रॉबिन वाला इक्वेशन क्या है वो बताइए, वो है डेल्टा एच बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर। समझ में आ गया? इसके बाद का स्टेप होगा डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय डेल्टा टी, दोनों साइड पे आप क्या कर देंगे? डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी क्रॉस आर बार। ये समझ में आ गया? इन दोनों पे डेल्टा टी मत दे देना, यहां पर मल्टीप्लाई है। समझ में आ गया? प्लस होता तो दोनों पे आता, क्लियर? ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर का पार्ट में रख कर देता हूं, ठीक है? आपको पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है? ये वाला भी रख कर रहा हूं। इसके बाद क्या? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है या उसी को कंटिन्यू करिए, मैं फिर से लिखता हूं उससे क्या है वो, डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी क्रॉस आर बार, ठीक है ना? अब इस तरीके से मैं लिखूंगा यहां पर, टेकिंग लिमिट्स
ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या ले लिया मैंने, लिमिट्स ली, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई कर दी, क्योंकि डेल्टा टी मैंने क्या माना है, बहुत छोटा माना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी क्रॉस आर बार। समझ में आ गया, ये तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी एस बार बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बार बाय डी टी, ओके, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस आर बार, डी एस बार बाय डी टी क्या होता है, डी बार, डी थीटा बार बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। समझ में आया, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा हमने स्केलर फॉर्म में क्या लिखा है, आर ओमेगा, और हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। तो जो मैं स्केलर में आपको डिराइव करवा रहा हूँ या याद करवा रहा हूँ, वेक्टर में उसका उल्टा है, स्केलर में कैसे याद किया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेक्टर में क्या हो जाएगा, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्सेलरेशन पे जाएंगे।